कर्म अर्थात कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। तरह तरह के कर्म होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक को कहते हैं कर्म, वही शब्द परंतु इसका अर्थ थोड़ा अलग है। इस संदर्भ में कर्म का मतलब है जो पुण्य कार्य होते हैं भौतिक दृष्टि से, जैसे गरीबों की मदद करना, भूखों को खिलाना, मरीजों का इलाज कराना, कुएं खोदना लोगों को पानी देने के लिए, और वृक्षारोपण करना ताकि सबको छांव मिले इत्यादि। ऐसे बहुत सारे पुण्य कार्य हैं, इनको कर्म कहते हैं। और इसका फल या परिणाम है कि हमें सुख या ऐश्वर्य या कोई भौतिक सुविधा मिलेगी भविष्य में। दूसरे प्रकार का कर्म है विकर्म, जो पाप है, भगवान के नियमों का उल्लंघन, जैसे झूठ बोलना, खून करना, शराब पीना, अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करना, व्यभिचार करना इत्यादि। तो ऐसे विकर्म करने से हमें कष्ट या दुख झेलने पड़ते हैं। तो हमारे जीवन में जब कोई सुख आता है या कोई दुख आता है तो हमें जानना चाहिए कि हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमें ये मिल रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों का चक्र चलते रहता है, पुण्य और पाप का, कर्म और विकर्म का। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरे प्रकार का भी एक कार्य होता है जिसको वो अकर्म कहते हैं। अकर्म वो कर्म है जो आध्यात्मिक स्तर पे किया जाता है, जबकि कर्म और विकर्म अर्थात पाप और पुण्य ये भौतिक शरीर के स्तर पे किए जाते हैं, भौतिक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर किए जाते हैं। परंतु अकर्म वो कार्य होते हैं जो आत्मा के स्तर पे किए जाते हैं, जो भगवान के संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, इसलिए वो हमें पाप और पुण्य के परे ले जाते हैं, हमें कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाते हैं और एक शाश्वत जीवन में हमें प्रवेश दिलाते हैं।